हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैंने अपना पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अगर आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो ऐसा कौन सा गलती है जो आप गलती से भी भूल कर भी इस गलती को मत करिएगा, अदरवाइज दोस्तों आपका मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आप वो गलती ना करें जिसके चलते आपका मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा पिछला वीडियो में मोबाइल पे अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है, आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आप किस तरह से कस्टमर केयर से बात करके अपने अकाउंट को अनब्लॉक करा सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपके सामने मोबाइल पे कस्टमर केयर से बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि मैं अपना अकाउंट को किस तरह से अनब्लॉक करा सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आज का वीडियो दोस्तों बिना स्किप के पूरा देखिए, जिससे आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करके तो सेटिंग को ऑल में कर लीजिए, ताकि दोस्तों आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेशन यूज़फुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मोबाइल पे कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या कहता है, क्या करने के लिए कहता है कि जिससे मेरा मोबाइल पे अकाउंट जो है अनब्लॉक हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए पहले मैं अपना मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर सबमिट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा मोबाइल पे अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। अगर आपका भी इस तरह से मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो अभी आपको क्या करना है, देखें यहाँ पर कॉर्नर पे हेल्प का ऑप्शन दिया गया हुआ, अभी आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कस्टमर केयर का दो नंबर देखने को मिलेगा, तो आपको पहले वाले नंबर पे कॉल करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो चलिए अभी मैं इस पर कॉल करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी या उर्दू में बात करने के लिए 3 सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको 3 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप दोबारा 3 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से 3 प्रेस कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अभी मेरा कॉल वेटिंग में है, तो थोड़ा मैं अपना वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा 5 मिनट होने जा रहा है, लेकिन किसी ने अभी तक मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक मेरा कॉल रिसीव नहीं होता है। ओके दोस्तों, फाइनली मेरा लैंड जो है कनेक्ट हो गया है। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं मोहम्मद गौस बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल पे अकाउंट सर ब्लॉक हो गया है, क्या प्रॉब्लम हुआ सर? सर ये कल शाम में हुआ है। यस सर, आपका अकाउंट जिससे आप बात यस सर, यही नंबर पे है। लाइन पे आने के लिए शुक्रिया सर, आपका अकाउंट हुआ है ब्लॉक वीपीएन यूज करने की वजह से सर। वीपीएन ऑन करने से मतलब क्या, अकाउंट सर ब्लॉक हो जाता है? जी सर, क्योंकि वीपीएन बैन है ना, तो आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है यहाँ पर, तो आपकी सेफ्टी के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन नहीं था ब्लॉकिंग वाला प्रॉब्लम, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि सर वीपीएन ऑन करने से मोबाइल पे ब्लॉक हो जाता है। अभी मैं इसे कैसे अनब्लॉक कर सकता हूँ? जी सर, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मोबाइल पे केयर @mobile.com.sa पर ईमेल करें, हेल्प सेंटर में ईमेल लिखी है, ईमेल में आपने लिखना है कि आपका अकाउंट जो है वीपीएन की वजह से ब्लॉक हुआ है, और निकामे की पिक्चर लेकर अपलोड करनी है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है? तो 5 से 6 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक कर दिया जाएगा सर। मतलब सर 5 से 6 दिन में सर अनब्लॉक हो जाएगा मेरा अकाउंट? कंप्लेन नंबर वगैरह भी दीजिएगा आप, जैसे कि नेक्स्ट टाइम अगर इनकेस नहीं हुआ तो फिर मैं आपको कुछ बता सकूं कि मेरा कंप्लेन नंबर ये था। ईमेल में ही आपके पास ईमेल ही आपकी कंप्लेन है सर, और कोई इसके अलावा कंप्लेन मैंने क्योंकि आपकी जनरेट नहीं की, तो मैं आपको क्या नंबर दूंगा सर। ओके चलिए ठीक है, तो मैं आपको मेल कर देता हूँ, मतलब आप 5 से 6 दिन में मतलब मेरा अकाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा, सही सर? इंशाल्लाह सर। चलिए ओके, थैंक यू। जल्दी भी हो सकता है, 1-2 दिनों पर भी हो सकता है। चलिए ठीक है सर, आपके साथ नहीं होगा, ये और भी लोगों के साथ।
नहीं सर, ऐसा कुछ मालूम था नहीं सर ना कि वीपीएन ऑन करने से मतलब मोबाइल पे अकाउंट जब ब्लॉक होता है, ऐसा कुछ मालूम था नहीं, मतलब ऑन ही ये नहीं नेक्स्ट करता टाइम था। पर आप जब अनब्लॉक हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको जब वीपीएन कनेक्ट हो तब नहीं यस सर, खोलना। यस सर, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, मैं खुशी आपको मदद करके अपना ख्याल रखिएगा ओके मोबाइल अल्लाह पे सर, आप सभी के लिए शुक्रिया, कॉन्सिडरेट कीजिएगा, अल्लाह। हाफिज़। ओके दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे एक मोबाइल पे केयर को एक मेल करना है अपना मोबाइल पे अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए। तो मोबाइल पे केयर में आप कैसे मेल करिएगा, चलिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल पे केयर का ईमेल आईडी मिलेगा, तो आपको इसे नोट कर लेना है। ईमेल आईडी नोट करने के बाद दोस्तों अब आपको अपना मोबाइल पे जीमेल आईडी ओपन कर लेना है। दोस्तों आपने मोबाइल पे अकाउंट बनाने टाइम में जो ईमेल आईडी आपने दिया होगा, आपको उसी ईमेल आईडी से मोबाइल पे केयर को ईमेल करना है। तो अभी मैं अपना जीमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ टू में आपको मोबाइल पे का ईमेल आईडी एंटर करना है। सब्जेक्ट में आप टाइप कर दें मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक्ड इशू, मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक्ड इशू। नीचे कंपोज में आप टाइप कर दें आई यूज्ड वीपीएन ड्यू टू विच माई मोबाइल पे अकाउंट गॉट ब्लॉक्ड, प्लीज अनब्लॉक माई अकाउंट। दोस्तों अगर आप चाहें तो सेम टू सेम टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। इतना टाइप कर देने के बाद दोस्तों आपने जिस मोबाइल नंबर से मोबाइल पे अकाउंट बनाया हुआ होगा, मोबाइल पे अकाउंट क्रिएट किया है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर नीचे सबमिट कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह का पिन का निशान दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर अटैच फाइल पर क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकामा का पिक्चर फोटो को अटैच करना है। अकामा का पिक्चर अटैच करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल जो है सेंड हो जाएगा। अभी दोस्तों मेरा ईमेल जो है सेंडिंग हो रहा है। ओके दोस्तों, मेरा मेल जो है सेंड हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मोबाइल पे अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको मोबाइल पे केयर में मेल करना होगा, जिस तरह से मैंने किया है। चलिए देखते हैं कि मेल करने के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है, कितना दिन के बाद में मेरा जो मोबाइल पे अकाउंट है अनब्लॉक होता है। सारा कुछ दोस्तों मैं आपको अगले अपडेट में बताने वाला हूँ, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।